पीएफआई पर कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे दें। एनआईए और ईडी की 10 राज्यों में संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। एमपी के 8 जिलों में एनआईए की छापेमार कार्रवाई और एनआईए ने इंदौर भोपाल समेत कई जिलों में कार्रवाई की है। एसडीपीआई के कार्यकर्ता अब्दुल बेलिम एटीएस की हिरासत में है और एमपी से पीएफआई के 21 सदस्यों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के अब्दुल रऊफ को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली यूपी पंजाब एमपी केरल में छापेमारी लगातार जारी है। महाराष्ट्र में 14 पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तो देखिए यहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन एनआईए और ईडी का लगातार जारी है। भौतिक अंतराल में दूसरी बार एनआईए और ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। पीएफआई पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगातार ये शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह 4 बजे से ही एक साथ ही बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ा एक्शन, बड़ा संदेश देने की कोशिश।